सकता भैया इसके अंदर कड़ी डालना शुरू करेंगे। भाई ये आ गई कड़ी इसके अंदर। भाई इसके आपने कभी तड़के वाली कड़ी ट्राई करी है? मेरे को फटाफट से कमेंट करके बताओ। मैंने तो ये सब जितना ट्राई। भाई जी आ गए राजमा हमारे इसके अंदर, लग रहा है राजमा में तड़का। सो गाइस अब हम आए रवि कश्यप कड़ी चावल वाले पे, और यहाँ की स्पेशलिटी है वो है इनकी कड़ी चावल जो ये अमूल मक्खन में फ्राई करके देते हैं, और राजमा चावल जो ये अमूल मक्खन में फ्राई करके देते हैं। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें मिलती हैं, सामने आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, और जो आइटम है उनका प्राइस है 50 रुपीज़। चलो यार आपको उनकी मेकिंग दिखाते हैं। यहाँ पे मोट कचौड़ी भी मिलती है, ये सामने मेरे मोट कचौड़ी रखी हुई है गाइस, इनके चावल हैं, और वहाँ पे हमारा बनेगा कड़ी चावल जो है तड़के वाला। चलो यार आपको उसकी मेकिंग दिखाते हैं। भाई अब हमारे तड़के वाले कड़ी चावल बनना शुरू हो रहे हैं। भैया जी ने सबसे पहले गैस जलाई और ये आ गई हमारी कढ़ाई। भाई जी आ गया हमारा मूल मक्खन। ये पूरी टिक्की डालोगे इसमें? भाई मक्खन सुन तो आपको पता है मेरे दिल के अंदर एकदम खुशियाँ। भाई आ गया हमारा मूल मक्खन, ये आ गया हमारे प्याज। भाई आ गई मिर्च। भाई बहुत फेमस दुकान है इनकी गाजियाबाद के अंदर। ये देखो ये है इनकी कड़ी, बेबर उठा के दिखाना कड़ी थोड़ी सी। भाई कितनी थिक कड़ी है इनकी, और भाई पकौड़े भी बहुत सारे भर के डाल रखे हैं इन्होंने इसके अंदर, तड़का लगता है कड़ी के अंदर। भाई वो रेडी हो रहा है अभी, मूल मक्खन के अंदर तड़का लगा जाता है यहाँ पे। भैया आपकी दुकान की टाइमिंग्स क्या है? सुबह 10 से 5। और सब कुछ मिलेगा जब भी आएंगे? और क्या क्या रखते हो भैया साथ में इसके? कड़ी चावल, छोले चावल, मोट कचौड़ी। क्या प्राइस है इसका? 50 रुपीज़ ओनली। भाई एक बार भीड़ चेक करो, भाई कितनी भीड़ लगी हुई है। अरे भैया अभी हमारे क्या तड़का रेडी कर रहे हैं। ये आ गई लाल मिर्च इसके अंदर। भाई कलर देखो एकदम खूनी लाल कलर हो गया इसका। ये देखो ये हमारी कड़ी है, और जो इसका तड़का है वो रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। अब भैया इसके अंदर कड़ी डालना शुरू करेंगे। भाई ये आ गई कड़ी इसके अंदर। भाई इसके आपने कभी तड़के वाली कड़ी ट्राई करी है? मेरे को फटाफट से कमेंट करके बताओ। मैंने तो ये सब जितना ट्राई करा वो सब गाजियाबाद के अंदर ही देखा है मैंने, हमारे दिल्ली के अंदर तो ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है। भाई गजब का स्ट्रीट फूड है गाजियाबाद का। भाई ये देखो इतना शानदार लग रहा है, ये जो कलर आ रहा है वो तो बहुत ही लाजवाब है। ये इनके चावल, और ये हमारे कड़ी चावल की प्लेट लग रही है। कोई नहीं गाइस, हमारी कड़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बॉईल हो रही है कड़ी, और सामने जो चावल भी वो भी एकदम मैंने लगा दिए मस्त तरीके से। तो बस इसके अंदर अमूल मक्खन जाएगा अभी चावलों के अंदर भी। 50 रुपये में इतना कुछ मिल रहा है आपको। भैया आ गई एक और टिक्की। भाई भैया ने पहले एक टिक्की डालती है अमूल बटर की, और भैया दूसरी टिक्की डालने वाले हैं। ये जलेगी चावल के अंदर, चावल लगा रखे हैं। भाई ये देखो आ गया अमूल मक्खन छोले के, अमूल मक्खन चावल के अंदर। भाई क्या सबके आप सबके मुंह में पानी आ गया इसको देख के? फटाफट से मेरे को कमेंट करके बता दो। भाई मेरे मुंह में तो बाढ़ आ गई है, पानी तो बहुत दूर की बात है। भाई चला दो थोड़ा सा, चला दो इसे। भाई हमारी कड़ी रेडी हो गई है, हो गई बंद, अभी जाएगी चावलों के अंदर। भाई ये चेक करो भाई कितना प्यार लग रहा है देखने में, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है एकदम। एक हमें थोड़ा आराम से डालना, आराम आराम से। चलाना भाई देखो सारे कड़ी चावल भी इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि इवनली मिक्स हो जाए।
और आपको टेस्ट जो है एकदम बढ़िया टेस्ट है। हमारे कढ़ी चावल के ऊपर प्याज सारे कड़ी चल कर प्याज आ गई है और प्याज से ओवरलोड कर दिया बहने ने। 50 रुपये में आपको इतना सब कुछ मिल जाएगा। और ये इसके ऊपर आ गया भाई मिर्च के पकौड़े मूल मक्खन के तड़के के अंदर आपको मिल रहे कड़ी चावल सिर्फ 50 रुपये में गाजियाबाद के अंदर। ये कौन सा मसाला है भैया? अच्छा अच्छा ये भाई इनका अपना मसाला है सीक्रेट मसाला। ये हो गए भैया रेडी अब? चलो यार एक कड़ी चावल की प्लेट में आपको टेस्ट करके बताता हूँ उसके बाद हम राजमा चावल ट्राई करेंगे। ये सूखी हुई लाल लाल मिर्च है ना? नहीं, ये भुनी हुई होती है ये। गाइज हमारे कड़ी चावल रेडी हो गए हैं। खाना है और एक पैक करा दे। सो गाइज हमारे कड़ी चावल बनके रेडी हो गए हैं। मैं आपको एक बार इसकी फर्स्ट लुक दिखाता हूँ। गाइज ये देखो ये हमारे कड़ी चावल हैं। इसके अंदर ऊपर से उन्होंने प्याज डाल रखी है भुनी हुई मिर्च डाल रखी है और साथ में हमें भाई ये मिर्च का पकौड़ा दिया है। भाई देखने में बहुत तीखा लग रहा है ये। और जो ये इनकी कड़ी है इसके अंदर उन्होंने अमूल मक्खन का बटर का वो लगा रखा है तड़का और इसके अंदर भी ऊपर से बहुत सारा अमूल मक्खन डाला है। आपने भी वीडियो में देखा ही होगा। चलो यार एक बार ट्राई करते हैं देखते हैं कुछ अलग है या नहीं है जो हमारे घर के पास मिलता है कि वैसा सही टेस्ट है। एक बार मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ कड़ी चावल। भाई टेस्ट आना चाहिए इतनी दूर से जब आए हैं हम यहाँ पे बिल्कुल टेस्ट का स्वाद तो वही लेके जाएंगी। चलो यार ट्राई करते हैं। बहुत प्यारा टेस्ट है इसका काफ़ी डिसेंट सा टेस्ट है। बटरी बटरी आ रहा है मुंह में और कड़ी के साथ इनका कॉम्बिनेशन तड़के का भाई वो कहीं और नहीं मिलेगा आपको सिर्फ यहीं पे मिलेगा गाजियाबाद में। बहुत सही टेस्ट आ रहा है। एक और बाइट लेनी तो बनती है यार इसकी। दिस इज ऑसम बहुत गजब का टेस्ट है यार मज़ा आ गया दिल खुश हो गया मेरे तो खा के। नंबर जिनका मिर्च का पकौड़ा है उसको भी ट्राई कर लेते हैं। वैसे आप सबको पता ही मैं ज़्यादा मिर्ची खाता नहीं हूँ बट एक बार इसे ट्राई तो करना बनता ही है यार। और ये भी थोड़ा स्पाइसी है थोड़ा ठंडा हो गया इसलिए हल्का सा कम स्पाइसी लग रहा है वरना भाई टेस्ट इस ओवरऑल का बहुत बढ़िया है। 50 रुपये में ये जो चीज़ मिल रही है भाई गजब की है। और भाई यहाँ पे लोग कलकत्ता से खाने आ रखे हैं। छोटा बच्चा मिला अभी हमें हमने उससे पूछा उसे कैसा लगा भाई वो भी कह रहा बहुत प्यारा टेस्ट है। हमने उससे पूछा भाई आप किससे इंटरव्यू ले लें तो उसने मना कर दिया शर्मा रहा था वो थोड़ा सा वो भी बहुत छोटा था वो बट भाई उसने बताया कि कलकत्ता में ऐसा कुछ मिलता ही नहीं। उसने एक टेस्ट खाया भाई एंड ही वॉज लाइक भाई क्या खा लिया मैंने उसको मतलब मोक्ष मिल गया उस बच्चे को ये खा के। मैं इसे एक और बाइट लेता हूँ फिर आपको तड़के वाला राजमा चावल दिखाता हूँ। गजब कर दो भाई। जब बन रहे हैं हमारे तड़के वाले राजमा चावल। इसका क्या प्राइस है भैया? इसका 50 रुपीज़। भाई जी आ गई हमारी एक और अमूल बटर की टिक्की। इसमें भैया पूरी टिक्की जाएगी? नहीं भैया इसमें आधी जाएगी। आधी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है भैया मेरे पर कड़ी तो कमाल की थी आपकी। भैया कब से लगा रहे हो आप ये शॉप? अच्छा 35 से 40 साल। अच्छा ये अंकल जी हैं तो इन्होंने स्टार्ट करा होगा ये काम। बहुत पुरानी दुकान है इनकी और बहुत फेमस भी है। जब से हम आए हैं मतलब भीड़ लगी हुई है और बंदे बहुत दूर दूर से खाने आ रखे हैं। बंदर आ गए तो बंदर ले गया तो ले गया क्या कर सकता हूँ फिर छुट्टी दिलानी पड़ेगी बंदर को भी। फिर गाइज़ ये आ गई इसके अंदर प्याज। ये इनकी भुनी हुई मिर्च आ गई इसके अंदर। अभी 3 वीडियो हो रहा
आज हम सुबह से घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा और भाई थक भी गए हम सब बहुत। और लग टाइम देखो भाई 4 बज गए हैं और हम सुबह से निकले हुए हैं 9 बजे से, और अभी हमें कम से कम 3 से 4 वीडियोस और बनानी है। भाई जी आ गए राजमा हमारे इसके अंदर, लग रहा है राजमा में तड़का। अच्छा देखो हमारे तड़के वाले राजमा चावल, क्या आपने भी तड़के वाले राजमा चावल ट्राई करे हैं? राजमा दिखाना था, उठा के दिखा दो राजमा। ये देखो चलो इसे पकने देते हैं और उसको इसका टेस्ट करके देखते हैं। लगा दो भैया। गाइस ये हमारे चावल आ गए फिर से राजमा के लिए। गाइस ये आ गया राजमा हमारे चावल के अंदर। इसके ऊपर भी आ गया हमारा अमूल मक्खन, ये तो है भाई असली मक्खन अमूल मक्खन। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अमूल, हमने बिल पे करके खा रहे हैं, कोई गलत ना समझे इस बात को। ये कौन सी चटनी है भैया? कौन सी? पालक की चटनी। भैया चीज नहीं डलेगा इसमें? हाँ मजाक कर रहा हूँ मैं तो, वैसे ही मतलब हमारी एक दे देना। हाँ जी आ गया स्कूल मिर्च का पकौड़ा। चलो अभी से टेस्ट करते हैं। और हमें थोड़ा सा डर लग रहा है, तनी करना क्या चाह रहा है बंदर हर बार हमारी वीडियो ख़राब करवा देता है। और वहाँ पे एक बंदर है भाई, वो सामने कुलचे की रेडी थी उससे कुलचा चुरा के खा रहा है। सो गाइस वीडियो में यहाँ पे थोड़ी सी अड़चन आ गई है, जुड़े रहिए आप माई फूड क्रश के साथ, हम फटाफट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पीछे भी है ये रहा। पीछे एक और बंदर घूम रहा है मेरे लाल। बंदर का पेज भी है भाई, फॉलो कर लो बंदर के पेज को। तो यार ये हमारे तड़के वाले राजमा चावल बन के रेडी हो गए हैं भाई, बार ये देख लो इसके ऊपर इन्होंने हमें मिर्च का अचार दिया। ये इतना बड़ा अचार पकौड़ा, अचार कह रहा हूँ मैं भाई, मिर्च का पकौड़ा है ये, इतना बड़ा पकौड़ा दिया उन्होंने इसके साथ। सॉरी ऊपर से उन्होंने अपनी पालक की चटनी डाल रखी है, प्याज डाल रखी है, और ये तड़के वाले राजमा है हमारे। तो एक बार मैं आपको इसको मिक्स करके दिखाता हूँ। गाइस ये देखो, थोड़ा डर लग रहा है मेरे को बंदर मेरी प्लेट छीन के ना भाग जाए। फोन वोन ले जाए तो वो चिंता नहीं है, बस प्लेट में लेके भागे। भाई एकदम फैबुलस है ये, मैं दिल खुश हो गया मेरा तो। उनके कड़ी चावल खा के भी, राजमा चावल खा के भी एकदम फ्रेश है, आपके सामने उन्होंने बनाए हैं, और जो टेस्ट है भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ऐसा टेस्ट तो भाई मतलब मैंने पूरी दिल्ली में कभी भी नहीं खाया, तड़के वाले राजमा चावल कड़ी चावल, थोड़ा बटरी से टेस्ट आ रहा है। और जो है अगर ये पूरी टिक्की डाल देता, हाँ थोड़ा ज़्यादा बटरी हो जाता, बट इसलिए उन्होंने हाफ टिक्की डाली है, जो टेस्ट है वो बैलेंस रहे। और जो स्पाइसेस का प्रोपोर्शन है भाई वो भी बहुत बढ़िया है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तीखा टेस्ट आ रहा है भाई, गज़ब का है। भाई एक नंबर चीज़ है 50 रुपये में, एक एक कंटेनर आप खा लोगे ना आपका पेट भरा रहेगा कम से कम 3 से 4 घंटे तक। भाई टेस्ट बहुत अच्छा है, और बंदर आने वाला था, फटाफट से इसको पैक करवाते हैं और चलते हैं अगली जगह वीडियो बनाने। एक लोकेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, आप वहाँ से चेक कर लेना। और बाकी यहाँ पे इनका कार्ट है, जो लाल वाली लस्सी थी उसी वाली रोड पे इनका कार्ट है। तो बाकी आप डिस्क्रिप्शन से लोकेशन चेक कर लेना। चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।